हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के तहत आने वाले उपमंडल स्वार घाट क्षेत्र में प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर छोटे से बड़े वाहन सबके पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के तहत आने वाले उपमंडल स्वार घाट क्षेत्र में प्रशासन द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर छोटे बड़े वाहनों की पूरी तरीके से खोल कर चेकिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहनों में रखी आपत्तिजनक सामान की जाँच व वाहनों के कागजात की जाँच के साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी भी की है। निर्वाचन आयोग की टीम के इंचार्ज ने बताया कि ड्यूटी के तहत तीन टीमों द्वारा विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी के नमहोल स्वारघाट नैना देवी क्षेत्र में 24 घंटे ड्यूटी की गई। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए इस क्षेत्र में बाहरी राज्य से आने वाले वाहनों में अवैध सामग्री जैसे रुपया, शराब इत्यादि सामानों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करवाया जा सके। टीम नंबर 2 इंचार्ज, जो हमारी जो ड्यूटी है वो 22/4/2019 से शुरू हुई है और जो इलेक्शन होने तक चलेगी 19 मई 2019 तक चलेगी। और हमने 24 घंटे जो ड्यूटी दे रहे हैं पाइंस और SST की टीम है नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो 22 तारीख से लगातार 24 घंटे ड्यूटी दे रही है। तीन टीमें हैं हमारी SST की, एक नमोल में है, दूसरी स्वारघाट में है, तीसरी नैना देवी क्षेत्र में है। तो ये जो तीन टीमें हैं लगातार 24 घंटे जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगातार गाड़ियों की जांच कर रही है, ताकि बाहर से कोई भी हमारे पास इलीगल कैश, लिक्वर और कोई अन्य पदार्थ ना आए जो इलेक्शन को, स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। तो हमारी जो ड्यूटी है वो लगातार 24 घंटे चली हुई है और गाड़ियों की हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, ताकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है वो सम्पन्न हो सके।